महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 4 दिसंबर से चल रहे संस्थापक सप्ताह समारोह का भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन किया। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने 1932 में की थी तथा अभी तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 89 साप्ताहिक समारोह आयोजित कर चुका है तथा इस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थानों में लाखों छात्र व छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं में 4 दिसंबर से 89वें सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के सूचना प्रसारण व युवा मामलों के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। वहीं 4 दिसंबर से महाराणा प्रताप के सभी संस्थाओं में अलग अलग तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें संस्थान के सभी विद्यालयों के छात्र व छात्राओं ने भाग लिया था तथा शुक्रवार को समापन के अवसर पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्थान की विजयी प्रतिभागियों को शील्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर UPS सिंह, राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी सहित भारी संख्या में संस्थान के छात्र व छात्राएं उपस्थित रहीं। प्राप्त करते हुए इसके बाद योगराज बाबा ब्रह्मनाथ, योगराज बाबा गंभीरनाथ स्वर्ण पदक, श्री कमलेश कुमार मौर्य शैक्षिक योग्यता अनुशासन प्रभावी शिक्षण अध्ययन अध्यापन गोरखपुर, इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मलीन महान दिग्विजयनाथ स्वर्ण पदक के लिए सुजीत कुमार तैयार रहे, डॉक्टर कमलेश परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र शिक्षा क्रीड़ा आज विशेष योग्यता के लिए श्री सुजीत कुमार MSc द्वितीय वर्ष पदक, शशांक पांडे शास्त्री तृतीय वर्ष श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखनाथ पारिक को कक्षा 12 महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर को प्रदान किया जाता है। गोरखपुर द्वितीय प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती हुई महाराणा प्रताप कृष्ण इंटर कॉलेज जंगल रोशन गोरखपुर तृतीय रुके रहे विद्यालय चौक बाजार महाराजगंज प्रोत्साहन पुरस्कार कन्या इंटर कॉलेज रामदत्तपुर गोरखपुर को महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर। इसके बाद AANM अंतिम वर्ष के सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को शिवांगी सिंह, आकांक्षा चौहान JNM अंतिम वर्ष छात्रा आकांक्षा चौहान, इसके बाद डॉक्टर अंकित जायसवाल, चंडी प्रसाद सिंह स्मृति पुरस्कार, राम नरेश जंगल भूषण पुरस्कार, मां की राम लखन चौधरी स्मृति पुरस्कार, अंबिका चौधरी स्मृति पुरस्कार, अंजू मिश्रा अग्रहरी वैष्णवी अग्रहरी महाराणा प्रताप का शिक्षा प्रसन्न वचन में प्रथम वैष्णवी अग्रहरी गोरखपुर तृतीय संस्थागत वैद्य जयंती सरस्वती विद्या मंदिर संस्कृत में सिद्धि यादव परम आदरणीय भारत सरकार शिक्षा मंत्री पदम विभूषिता माननीय धर्मेंद्र प्रधान महोदया, परम पूजनीय भारत देश लब्ध प्रतिष्ठा युक्तम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पदम विभूषितवंता गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महानुभावा, माननीय आगंतुका च अद्य अहम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषदेन आयोजितम संस्कृत भाषण प्रतियोगितायां नव शिक्षा नीति भारतस्य भविष्यं च इति उत्कृष्ट विषये स्वविचार प्रस्तुत कर्तुं उपस्थितो अस्मि। महोदया मानव सर्वांगीण विकासाय शिक्षा एवं स्वास्थ्यम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति। धन्यवाद। सुजल तिवारी कक्षा 10 गुरु गोरखनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर गोरखपुर, प्रथम स्थान देवांश मिश्र संस्कृत भाषण में प्रथम, श्रीमद् भागवत में प्रथम, गोरखवाणी प्रतियोगिता में प्रथम। मान्यः भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् गतवर्षद्वये कोरोना विषाणु कारणात् व्यापक रूपेण यो हि महामारः समागतः आसीत्
येषां देशानां पार्श्वे वैक्सीन निर्माणस्य व्यवस्था पूर्वतः आसीत् ते तु एतत् कृते प्रयासं कृतवन्तः किन्तु भारतदेशस्य पूर्वतः एतादृश समस्या संसाधने असमर्था आसीत् तथापि अस्माकं सर्वकारस्य सकारात्मक प्रयासः फलीभूतः सञ्जातः अश्विनी शुक्ल शास्त्री प्रथम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वितीय प्रेरणा देहलती प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर तृतीय संस्थागत वैजयंती गुरु प्रसाद शुक्ल दो मिनट सभापति भारतीय जीवन मूल्यानि अमुम विषय आधारीकृत्य केचन स्वविचारा प्रस्तूयन्ते तत्र भारतीय जीवन मूल्यानि अस्मिन् विषये वचमि तत्र भारतीयानां जीवनं भारतीय जीवनं भारतीय जीवनस्य मूल्यानि भारतीय जीवन मूल्यानि तानि च कानि तद् वचमि कक्षा 7 विद्या पब्लिक स्कूल सिंघाड़िया गोरखपुर पब्लिक स्कूल गोरखनाथ प्रथम संस्थागत वैजयंती जी एन नेशनल पब्लिक स्कूल नित्य जल भी जड़ गई भगवान श्री राम के सस्पष्ट संदेश के साथ मांग रहे थे परंतु समुद्र का प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था पर्याप्त बने के पश्चात राम कहते हैं भय भी न होए न प्रीत अर्थात अब शक्ति दिखाने का समय है जैसे ही भगवान राम बाढ़ का संधान करते हैं समुद्र त्राहिमाम करता जाता है फिर तो समुद्र पर रास्ता भी बना और राम विजेता भी हुए अंत में आज भारत भूमि मांगे आचरण श्री राम का भजन पूजन और वंदन मत करो बस नाम का दीन दुखियों को समेटो अंक में तुम सर्वदा राम का आदर्श ही एकत्व का आधार है एकत्व का आधार है जय हिंद जय भारत उदयांश पांडे कक्षा 11 सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष चंद्र बोस नगर चिल्ड्रेन अकेडमी न्यू कॉलोनी माधोपुर तृतीय संस्थागत 2 मिनट और भारत की युवा शक्ति इतनी विराट है कि संपूर्ण विश्व उसका लोहा मानता है हम सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति ऐसी है कि एतद् देश पशुतस्य सका सादर जन्मनः स्वं स्वं चरित्र शिक्षणेन पृथिव्यां सर्व मानवः जिसने संपूर्ण पृथ्वी को जीने की शिक्षा दी हम वैसी भारतीय संस्कृति से हैं इसीलिए हम सभी को इसको एकत्र करके एकता के सूत्र में बांधना पड़ेगा हम सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति कितनी विराट है मैथिली सरगुप्त भारत भारती में लिखते हैं कि शैशव दशा में देश प्रायः विश्व में जब व्याप्त थे विषयों में सभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की आचार की व्यवहार की व्यापार की विज्ञान की हम सभी जानते हैं भारत की संस्कृति कितनी विराट है जिसने संपूर्ण विश्व को आचार विज्ञान की भाषा सिखलाई भारत की युवा शक्ति भारत का सनातन ध्वजवाहक स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में जाते हैं और संपूर्ण विश्व को जीने की शिक्षा देते हैं तो हम वैसी संस्कृति से हैं हम सभी को गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर धन्यवाद सचिन पांडे शास्त्री प्रथम श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखनाथ भूषण द्वितीय और इन्होंने हिंदी भाषण प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है गोरखवाणी प्रतियोगिता एसपी डिफेंस अकेडमी सिविल लाइन्स गोरखपुर तृतीय क्या था अदिति 2 मिनट Lord Krishna teaches about discipline and his teaching about discipline is a person should be solitary, lightly eating, doing yoga, meditating and finding refuge and expansion. Thank you. 11 The Pillars Public School Civil Lines Gorakhpur Sanskagat Bhajanti The Pillars Public School Gorakhpur Nikita Sanskagat Bhajanti Digvyanath LT Prasikhyan Mahavidyalay उदय प्रताप सिंह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर द्वितीय अंशिका श्रीवास्तव कक्षा 10 महाराणा प्रताप कन्या इंटर कॉलेज रामदासपुर गोरखपुर तृतीय श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरित मानस Yeah.
पैसा नहीं है। इन्होंने ज्योति यादव कक्षा 9 महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर, यादव महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर उजाला यादव द्वितीय स्थान, कक्षा 6 रोहित गोदारा कक्षा 6 प्रथम, दिव्यांशी सिंह एचपी चिल्ड्रेन अकेडमी, ऋतिक जायसवाल गुरु कक्षा 7 सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजकुंड गोरखपुर द्वितीय, पीपीगंज गोरखपुर तृतीय, हाई स्कूल आजनगर उत्तरी गोरखपुर प्रथम, दीपिका विश्वास खेमका एचपी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, पीपीगंज गोरखपुर प्रथम, लिपिका सक्सेना हेसिया गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ पीपीगंज गोरखपुर तृतीय, राजगंज तृतीय, शिवांशी मल्ल कक्षा 11 गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ पीपीगंज गोरखपुर द्वितीय, राजदीप अग्रहारी कक्षा, सरस्वती सानी कक्षा 12 सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कक्षा 12 दिव्य नाथ इंटर कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज कलपटे। इसके बाद योगासन प्रवर्ग कक्षा 8 तक या 12 वर्ष की आयु तक गोरखपुर प्रथम, अंजलि सिंह कक्षा 8 अटली चौहान कक्षा 8 महाराणा प्रताप चिल्ड्रेन अकेडमी सिविल लाइन गोरखपुर तृतीय, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर प्रथम, सौम्य तिवारी बीए तृतीय वर्ष सरस्वती शिशु मंदिर हिंदी सुलेख प्रतियोगिता प्राथमिक वर्ग स्कूल गोरखनाथ गोरखपुर प्रथम, अलीशा खान द्वितीय वर्ग कक्षा 6 से 8 तक गोरखनाथ गोरखपुर प्रथम, उता मेहरा कक्षा 7 जीए नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखपुर में कनिष्ठ वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, अंग्रेजी पब्लिक स्कूल गोरखनाथ गोरखपुर प्रथम द्वितीय वर्ग कक्षा 6 से 8 तक, प्रियांशी चौधरी चित्रकला प्रतियोगिता पारंपरिक वायुसेना गोरखपुर प्रथम, सानवी गुप्ता कक्षा 5 गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ भरोहिया पीपीगंज गोरखपुर दुलारते उनका उत्साह बढ़ाते हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं पूज्य महाराज श्री आगे ला करके पुरस्कार प्राप्त करती हूँ। इसके बाद अजितेश पांडे कक्षा 5 सिंह कक्षा 5 जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखनाथ गोरखपुर द्वितीय, उद्गीत अभिनव कक्षा 5 से 8 तक, अंकित गुप्ता कक्षा 8 महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर प्रथम, अनुष्का कीर्ति सिंह कक्षा 7 जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर द्वितीय, मंगला देवी मंदिर गोरखपुर तृतीय, भावी जीवन के लिए अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। होते हुए बच्चों के लिए दरगाह दर्शक मंच पर पुरस्कृत होने के लिए बहुत बच्चे आ रहे हैं। अब अनुश्री और संदीप बीएड प्रथम दिव्य नाथ एलटी प्रशिक्षण उत्तर तक, प्रसून राय वर्ष दिव्य नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वरिष्ठ वर्ग कक्षा 9 से 12 तक, अंशिका गिरी कक्षा 11 सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज स्नातक से स्नातकोत्तर तक, कपड़ा सामने कंप्यूटर पर सुमुजा कनौजिया त्रिषा कनौजिया आदर्श सैनी शौर्य यादव, तृतीय स्थान महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर को, माध्यमिक वर्ग कक्षा 9 से महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज द्वितीय स्थान गुरु श्री गोरखनाथ विद्या देवी मंदिर विद्याहाटा गोरखपुर, विद्यार्थियों के नाम राजन तिवारी यश वर्मा साध्वी श्री राघाट गोरखपुर, अजितेश राय अभ्युदय तृतीय स्थान महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर, प्रथम स्थान दिव्य नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिविल लाइन्स द्वितीय स्थान राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर, विद्यार्थियों के नाम गुलशन कुमार, विद्यार्थियों के नाम प्रिंस यादव अंत्याक्षरी प्रतियोगिता महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर, विद्यार्थियों के नाम रजत पांडे तनिष श्रीवास्तव रिया चौधरी, सर्वोत्तम एनसीसी कैडेट पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, सीनियर विंग बीपरी एडी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर प्रथम, जूनियर डिवीजन बालक कैडेट गगन पांडे कक्षा 10 हीरालाल
लाल इंटर कॉलेज फरीदाबाद संतकबीर नगर प्रथम के मैं आमंत्रित करता हूँ विजेता महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला देवी मंदिर विद्यालय को विजेता महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर टीम कप्तान का नाम सुनील मध्वेश महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला देवी मंदिर विद्यालय 11 तक स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर टीम कप्तान प्रियंका वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग उपविजेता महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर टीम कप्तान श्रेया रानी उपविजेता महाराणा प्रताप कप्तान का नाम विकास गुप्ता प्रथम अर्जुन थापा निर्भय जायसवाल अर्जुन को दे दिया जा रहा है संस्थाओं में इसको वितरित कर दिया महाराणा अभी कुमार गौतम आयुष पाठक कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर वैष्णवी चतुर्वेदी कान तिवारी सुनैना निषाद सिया रंजक इंटर कॉलेज जंगल भूषण गोरखपुर रोशनी निषाद संदीप निषाद अनन्या सिंह बिल्कुल मंगला देवी मंदिर बेतियाहाता गोरखपुर आराध्या पांडे शिवांग शुक्ला दिव्यांश कुमार मौर्य जानवी श्रीवास्तव सामवी पांडे सलोनी राव सीनियर सेकेंडरी मंगला देवी मंदिर गोरखपुर राहुल यादव विनय सिंह श्रद्धा सेठी दीपक प्रजापति अनूप यादव अंजलि मधेशिया दूसरी गोरखनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर शुक्ल आदर्श दुबे गौरव तिवारी निखिल कुमार पाठक मयंक दुबे और चंद मिश्र संजना शर्मा संजना यादव अलका यादव सचिन साहनी राजेश शर्मा खुशबू अभय गुप्ता मनु वर्मा राजवीर साहनी गुलाम गौस नीलू विश्वकर्मा पारितोषिक वितरण के इस मैराथन कार्यक्रम के बाद अब आभार ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह प्राचार्य दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय इसमें आध्यात्मिक राजनीति के एक नए युग का सूत्रपात किया है और सरकारी योजनाएं सर्वस्पर्शी और बिना भेदभाव के पहुंचे इस आग्रह के साथ सुशासन का एक नया प्रतिदर्श खड़ा किया है तथा आपदा प्रबंधन में पूरे देश के अंदर एक मॉडल जिन्होंने दिया ऐसे हमारे संरक्षक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय मंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने बीच छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय वातावरण में काम करने का जिनका अभ्यास रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व निर्वहन करते हुए आपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में जो आपके मानस की उपज थी ऐसी उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन आपूर्ति की एक प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को आपने जमीन पे उतारा और आज आपने गोरखपुर से ये संदेश दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही नहीं स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में और गोरखपुर भी उससे लाभान्वित होगा। हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संरक्षक हम सभी के मार्गदर्शक प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी मंच पे आसीन है। हम आपका स्वागत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो महामना मालवीय के नाम से है उसके आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर जेबी पांडे जी हमारे बीच है। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। अपने बीच गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर अतुल वाजपेयी जी हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। मंच पे सभी जनप्रतिनिधि और नगर के गणमान्य व्यक्ति पूर्व और वर्तमान प्रतिनिधि सभी संस्थाओं के अध्यक्षगण सभी प्राचार्य और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी शोभा यात्रा से लेकर के और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में समापन तक किसी भी रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारीगण प्रशासन में सहयोग करने वाले प्रशासन के लोग मीडिया के बंधु जो विभिन्न हमारे कार्यक्रमों की कवरेज लिए ऐसे मीडिया के बंधु और प्यारे बच्चों आपने बड़े उत्साह के साथ पूरे प्रतिस्पर्धा में आपने भाग लिया और पुरस्कार भी जीते जो नहीं जीत पाए आने की अगले साल विजित होने की प्रेरणा लिए। आप सभी के प्रति मैं अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए एक बार पुनः संपूर्ण मंच को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
समारोह यही पूर्णता को प्राप्त करता है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार।